YouTube के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीन बेहतरीन शेयर जिसमें आपको निवेश करना चाहिए। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स हैं। लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर के स्टॉक्स आपको काफी बेहतरीन रिटर्न बना करके देंगे। साथ ही साथ ये तीन स्टॉक्स जो आईटी सेक्टर के काफी ग्रोथ फैक्टर वाले स्टॉक्स हैं, तो इसमें आप जरूर निवेश करें जब भी गिरावट में मिलता है। अगर बात करें जो पहला शेयर है वो है माइंडट्री। देखिए काफी जबरदस्त शेयर है। अगर चार्ट की बात करें, देखिए चार्ट भी काफी जबरदस्त रहा है। 2020 की गिरावट में ये मात्र जो है 700 रुपीज का स्टॉक्स था और वहां से ये 5000 रुपीज का हाई लगा चुका है। तो काफी जबरदस्त स्टॉक है, जब गिरावट में मिले तब निवेश करना है। देखिए साइकिल जब डाउन हो तो डाउन साइकिल में ये स्टॉक्स काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर मिलते हैं, तो उसी डिस्काउंट प्राइस पर आपको इस स्टॉक्स को उठाना है। तो जैसे देखते हैं 2016 में ये स्टॉक्स हाई बनाया था 800 का और वहां से इसमें जब गिरावट आया था तो ये मात्र 400 पे, मतलब 50% का इसमें करेक्शन देखने मिलता है। तो जब 50% करेक्शन पे आपको मिलता है तो उस समय इसमें आपको निवेश करना है। अगर ये चार्ट पे हमने देख लिया कि चार्ट काफी सॉलिड है इस स्टॉक्स का, अब बात करते हैं यहाँ पर मार्केट कैप का। 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है और यहाँ पर देखिए जो डिविडेंड यील्ड है मात्र 0.51%। देखिए ऐसे ग्रोथ वाले स्टॉक्स में आपको अगर 0.5% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है तो काफी शानदार है। जैसे आप डिस्काउंट प्राइस पर खरीदेंगे तो यह डिविडेंड यील्ड भी आपको काफी 1% से ज्यादा का मिलेगा। अब रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो देखिए यहाँ पर 35% से ऊपर है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इक्विटी 30% के आसपास और प्रमोटर्स होल्डिंग 61%, कोई शेयर प्लेज नहीं। डेट इक्विटी मात्र 0.12 का, मतलब टोटल डेट मात्र 553 करोड़ का है, जबकि नेट प्रॉफिट जो है 1386 करोड़ का है और जो रिजर्व है कंपनी के पास वो है 4494 करोड़ का। तो रिजर्व भी काफी अच्छा खासा है, तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफी जबरदस्त दिख रही है। उसके बाद अगला है कोफोर्ज, दूसरा जो हमारा स्टॉक्स है इस वीडियो का। देखिए कोफोर्ज काफी बेहतरीन, काफी सॉलिड शेयर। ये स्टॉक्स भी काफी गिरावट में मिला था, मात्र 760 रुपीज पे ये स्टॉक्स मिल रहा था गिरावट में 2020 का जो पैंडमिक था, वहां से देखिए ये हाई लगा चुका है 6000 का। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 900% के अप्रॉक्स का यहाँ पर रिटर्न है, तो जो कि काफी बेहतरीन है। और यहाँ पर चार्ट देखिए काफी सॉलिड रहा है, जब भी गिरावट में मिलता है तो आपको इसको बाय करना चाहिए। स्टॉक्स काफी कम ऐसे बार आया है जो गिरावट में मिला है, मात्र 2009 के पैंडेमिक में स्टॉक्स गिरावट में मिल रहा था। इस स्टॉक का भी जो चार्ट है वो काफी सॉलिड रहा है लॉन्ग टर्म में, तो जब भी गिरावट में मिलता है तो यहाँ पर हमने वीकली चार्ट का प्रयोग किया, आपको भी वीकली चार्ट पे प्रयोग करना है जब भी गिरावट मिलता है और रिवर्सल का साइन दे। जहाँ जैसे देखिए यहाँ पर गिरावट मिला, गिरावट के बाद यहाँ पर रिवर्सल का साइन दिया क्योंकि यहाँ पर साइडवेज हो गया, तो यहाँ पर हम बाय करेंगे और नीचे का यहाँ जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस रखेंगे। तो कहीं पे भी गिरावट मिलता है तो जस्ट रिवर्सल का साइन मिलते ही आपको बाय करना है और जो वहां पर सपोर्ट रीजन है उसके नीचे स्टॉप लॉस आपको लगाना है। हमने चार्ट देख लिया, चार्ट पे स्टॉक्स काफी सॉलिड है। अब बात करते हैं फंडामेंटल्स का, तो फंडामेंटल भी काफी जबरदस्त है। 32,000 करोड़ का मार्केट कैप है, डिविडेंड यील्ड 0.48% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी काफी जबरदस्त है। रिटर्न ऑन इक्विटी 19% से ऊपर का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% से ज्यादा का है, प्रमोटर्स होल्डिंग 50.2% का है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट इक्विटी 0.21 का है, तो डेट इक्विटी भी काफी कम है, मात्र 531 करोड़ का डेट है, जबकि नेट प्रॉफिट 525 करोड़ का है और रिजर्व जो है वह 2416 करोड़ का, तो रिजल्ट भी काफी शानदार है। उसके बाद अगला जो स्टॉक है वो टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी भी काफी जबरदस्त स्टॉक है और यहाँ पर बात करें तो ये स्टॉक गिरावट में जो है मात्र 535 रुपीज का मिल रहा था और वहां से 6500 का हाई लगा चुका है। ये भी स्टॉक्स काफी जबरदस्त है। अगर लॉन्ग टर्म में चार्ट की बात करें तो चार्ट काफी सॉलिड है, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट रहा है और एक लॉन्ग टर्म मूवमेंटम के बाद स्टॉक्स काफी बार साइडवेज रहा है, तो ये स्टॉक्स भी गिरावट में बाई है। जब भी गिरावट मिलता है, कोई बड़ी गिरावट होती है, बड़ी करेक्शन होती है, तो उस करेक्शन पे जैसे रिवर्सल का साइन मिलता है तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टॉक्स थोड़ा सा यहाँ गिरावट दिखाया, गिरावट के बाद फिर से यहाँ पर बाउंस बैक करता है, तो जैसे यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मतलब गिरावट होता है कभी फिर से रिवर्सल का साइन देता है, मतलब अपट्रेंड का साइन देता है, तो उस समय आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर बात करें यहाँ पर मार्केट कैप का, मतलब जो कंपनी के फंडामेंटल्स है, तो मार्केट कैप 41,000 करोड़ का है और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड 0.36% का है, डिविडेंड यील्ड भी काफी शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी काफी जबरदस्त है, 30% का
रिटर्न ऑन इक्विटी और 40% का रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड। और प्रमोटर्स होल्डिंग 44.5% का है, तो यहाँ पर कोई शेयर प्लेज भी नहीं है। डेट इक्विटी 0.08 का है, तो काफी कम कंपनी के ऊपर डेट है, मात्र 101 करोड़ का डेट है, जबकि नेट प्रॉफिट 459 करोड़ का है, रिजर्व 1228 करोड़ का है। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफी जबरदस्त है, तो लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी गिरावट में आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। ये तीन बेहतरीन सॉलिड स्टॉक्स है जिसको आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से ये आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न बना करके देगा। और ऐसे ही बेहतरीन एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।